देख रहे हैं, कभी कभी ये बहुत ज्यादा कर रहा है ये, देख रहे हैं, देखिए कभी कभी ये बहुत ज्यादा स्पार कर रहा है क्योंकि इसका आर्मेचर खराब हो चुका है। तो चलिए इसको बदलना पड़ेगा। अब हेलो दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिकल लतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों आज एक हमारे पास माकिता कंपनी का ये ड्रिल मशीन आया है। तो ये हमारे पास आज नहीं आया है दोस्तों, ये 10 दिन पहले आया था, लेकिन इसमें आर्मेचर का प्रॉब्लम था क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पार्क आ रहा था जब आया था। तो वो जिनका ये ड्रिल मशीन था वो बोल रहे थे कि चालू करने पर बहुत ज़्यादा स्पार्क आ रहा है। तो मैंने ओपन करके देखा तो पता चला कि इसके अंदर का जो आर्मेचर है तो वो ख़राब हो चुका है, इसी के वजह से ये स्पार्क आ रहा था। तो उस टाइम अपने पास इसका आर्मेचर नहीं था दोस्तों, इसलिए हम इसको सही करके वापस नहीं किए। तो इसीलिए यहाँ पे लिख के यहाँ पे हमने रख दिया ताकि पता चले। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसको सही करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक मेरे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस पे मैं, ये जो आप चैनल देख रहे हैं इस पे मैं वर्ल्ली इलेक्ट्रिकल का ही वीडियो डालता हूँ। इस पे आपको अदर वीडियो कुछ भी नहीं मिलेगा, जितना भी मिलेगा आपका इलेक्ट्रिकल टूल्स के अकॉर्डिंग ही वीडियो इस पे मिलेगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मेरे पास जितना इक्विपमेंट आता है इलेक्ट्रिकल का आइटम आता है, अगर वो ख़राब रहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका वीडियो शूट करूँ और उसको सही करके शूट करके अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको चालू करके इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए शायद दोस्तों ये क्या हो रहा है कि ये जो अपना मोबाइल है शायद इसमें अच्छे से इसमें कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोस्तों ऐसे रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रहा है और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रहा है। और ये जो देख रहे हैं ये जो जाली सा दिख रहा है इसके अंदर से आग जैसा बाहर में निकल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज इसको हम सही करेंगे। सही क्या करेंगे, इसका आर्मेचर हमको चेंज करना पड़ेगा। बिना आर्मेचर चेंज किए हमको नहीं होगा क्योंकि हम पहले इसको चेक किए थे, इसका जो आर्मेचर होता है उसको हमने क्लीन करके भी चेक किया था। देखिए ये जैसे कि ये आर्मेचर है तो कभी कभी क्या होता है कि ये जब हम क्लीन करते हैं, देख रहे हैं, तो इसको ऐसा है जो पेपर आता है उससे हम अगर क्लीन करते हैं, ठीक है, तो क्लीन करते हैं अगर उससे सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका आर्मेचर चेंज करना पड़ता है दोस्तों। तो वही इसमें भी है, इसका आर्मेचर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं उस टाइम क्लीन करके देखा था तो सही नहीं हुआ था, इसलिए इसे राइट करके रख दिया। और आज आर्मेचर आया है तो आज मैं चेक इसका रिप्लेस करूंगा, ठीक है, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको चेंज कर सके। क्योंकि माकिता कंपनी का ऑलरेडी मैं दूसरे मॉडल का वीडियो डाल रखा हूं दोस्तों, लेकिन इस मॉडल का नहीं डाला हूं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसका शूट कर रहा हूं वीडियो माकिता कंपनी का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा रहता है, देखिए देखिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए तो देखिए यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। अगर आपका कोई भी ड्रिल मशीन हो, ठीक है, किसी भी कंपनी का हो, सारे कंपनियों पे उसका यहाँ पे लोगो रहता है कंपनी का, उसके बाद से मॉडल नंबर लिखा होता है। देखिए तो इसका मॉडल नंबर है NHP1300S, इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। तो आप ये जो मॉडल नंबर है वो शॉप पे ले जाएंगे या ऑनलाइन भी ऑर्डर करेंगे तो प्रॉपर आपका यही सामान आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ये नहीं कि आप किसी भी ड्रिल मशीन का ले जाके आर्मेचर फिक्स कर दे, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाएगा उसमें। इसलिए अगर आपको चाहिए तो इसका मॉडल नंबर ले जाइए, मॉडल नंबर से मांगेंगे तो आपको प्रॉपर वही मिलेगा सामान। तो चलिए दोस्तों मैं इसको ओपन करूँगा। तो देखिए आर्मेचर को चेंज करने के लिए आपको यहाँ का एक स्क्रू ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ये 2, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। तो चलिए मैं सारे को ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ मैं।
देखिए दोस्तों, हमने ये सारे स्क्रू को ओपन कर लिया। अब उसके बाद से ये जो कवर है इसको ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये कवर ऐसे ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे करेंगे तो ये कवर निकल जाएगा, ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये अपना अर्मेचर है, सप्लाई निकाल दीजिए आपको, आप जो सप्लाई दे रखे थे इसमें। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कार्बन ब्रश को रिमूव करेंगे। अगर कार्बन ब्रश को रिमूव नहीं करेंगे दोस्तों तो वो टूटने का डर रहता है, कार्बन ब्रश खराब हो जाने का डर रहता है। ठीक है, तो इसका कार्बन ब्रश, दोनों साइड का कार्बन ब्रश इसका निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका टूटने का डर रहता है। देखिए कार्बन ब्रश निकालने के लिए आपको ये दोनों स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा, दोनों साइड का, दोनों साइड स्क्रू रहता है, जो कार्बन होल्डर होता है दोस्तों उसको पकड़ के रखता है ये स्क्रू दोनों साइड में। तो देखिए हमने वो कर दिया, ओपन कर दिया, उसके बाद से ऐसे इस तरीके से जो कार्बन होल्डर है और कार्बन ब्रश है इसको ऐसे निकाल लेंगे। देखिए पीछे से ऐसे पुश करेंगे, आगे ऊपर की तरफ करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब उसके बाद से अब क्या करेंगे दोस्तों कि अब ये अर्मेचर पकड़ेंगे और कोयल पकड़ेंगे और ऐसे आराम से निकाल लेंगे। ये देख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों ये देख रहे हैं, ये देखिए, शायद देखिए यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कितना स्पेस हो गया है इसके अंदर, और ये काला काला सा हो गया और स्पेस हो गया है। इसके वजह से क्या हो रहा था दोस्तों कि ये अपना ज़्यादा स्पार्क आ रहा था और थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया है, शायद मोबाइल में ना दिख रहा हो लेकिन गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखिए आपको एक नया दिखा रहा हूँ मैं, देखिए ये आर्मेचर है अपना, देख रहे हैं ये माकिता कंपनी का, देखिए लोगो है ये, और ये यहाँ पे ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है, देख रहे हैं, तो ये इसका मॉडल नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इसके अंदर अब आर्मेचर दिखा रहा हूँ आपको, देखिए देखिए दोस्तों ये नया वाला है ये, और ये पुराना वाला है, देख रहे हैं। तो अब चलिए नए वाले को हम फिक्स करते हैं दोस्तों इसके अंदर। देखिए फिक्स करने में उतना इसका ताम झाम नहीं है, अगर दूसरा मॉडल होता है तब जाके हमें दिक्कत आता है थोड़ा फिक्स वगैरह करने में, लेकिन इस वाले मॉडल में नहीं आता है। देखिए देखिए बैठ गया आराम से। अब बैठने के बाद अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे हम कार्बन होल्डर को रिमूव किए उसी तरीके से फिर इसको वहीं पे एकदम वहीं पे फिक्स कर देंगे जहाँ पे पहले फिक्स था। तो देखिए इस तरीके से देख रहे हैं, तो देखिए फिक्स हो गया ये। तो देखिए दोस्तों हमने जो कार्बन होल्डर और ब्रश था उसको हम फिक्स कर दिए, फिक्स करके टाइट भी कर दिए, एक ही स्क्रू है इसमें दो नहीं है। उसके बाद से अब चलिए जो स्विच है अब इसको प्रॉपर वाइज यहाँ पे रख के उसके बाद से अब इसका कवर लगा के फिर आपको हम चेक करके दिखाएंगे। थोड़ा उससे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा इस पे ग्रीस लगा देंगे, ये जो अर्मेचर का तीत है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इस पे ग्रीस नहीं दिख रहा है दोस्तों, देख रहे हैं ये ग्रीस नहीं दिख रहा है इसके ऊपर, तो इसलिए थोड़ा इस पे ग्रीस लगा देंगे हम। देखिए देखिए, तो देखिए दोस्तों सब कुछ फिटिंग हो गया, देखिए स्विच भी प्रॉपर वाइज यहाँ पे रहेगा। अब उसके बाद से अब ऊपर का कवर लगाते हैं हम। देखिए ये जो मॉडल है दोस्तों इसमें ज़्यादा अपना तामझाम नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये बैठ गया आराम से। अब क्या करेंगे कि ये सारे स्क्रू को हम टाइट कर देंगे, टाइट करके फिर आपको दिखा रहे हैं हम। तो देखिए दोस्तों सारे स्क्रू को हमने टाइट कर दिया, देख रहे हैं। अब इसमें मैं सप्लाई देने जा रहा हूँ, फिर सप्लाई देके चालू करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए सप्लाई दे दिया, अब देखिए चालू कर रहा हूँ मैं,
देखिए दोस्तों, अपना जो स्पार्क आ रहा था दोस्तों, वो स्पार्क आना बंद हो गया क्योंकि इसका आर्मेचर का प्रॉब्लम था। ये जो देख रहे हैं, ये जो लाइन, ये थोड़ा थोड़ा इसमें स्पेस हो गया है, थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बीच में स्पेस हो गया है। इसीलिए क्या हो रहा था कि ये कार्बन ब्रश अच्छे से वहाँ पर टच नहीं हो पा रहा था, इसलिए स्पार्क आ रहा था दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि दोस्तों मैं इलेक्ट्रिकल के संबंधित इस पे वीडियो डालता रहता हूं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।